नमस्कार, मैं अखिलेश न्योम पेस्ट कंट्रोल से। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि कई क्लाइंट कहते हैं कि भैया मेरे एक जगह पे मैंने दीमक देखी, आप सिर्फ वहाँ ट्रीटमेंट करवा दीजिए, बाकी जगह रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ दीमक नहीं है। तो हम कहते हैं कि कई अलमीरा, तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरी अलमीरा बिल्कुल ओके दिख रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कैसे अलमीरा में दीमक होती है लेकिन हमें आपको विजिबल नहीं होती, क्योंकि जो दीमक होता है किसी भी ऐसी आइटम को नहीं खाता जो सड़गल नहीं सकता हो। जैसे ये सनमाइका है, इस सनमाइका को दीमक नहीं काट सकता, इसलिए हमें ये सनमाइका बिल्कुल सॉलिड दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लकड़ियों को खा चुका है। जैसे कि मैं इस तरफ दिखाता हूँ, तो देखिए मैंने इधर पेचकस डाला, और पेचकस डालने के बाद देखिए इसमें दीमक आपको दिख रहा होगा। ये देखिए निकल गया ना, ये देखिए। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको अलमीरा अभी दीमक नहीं दिखी तो मेरी अलमीरा ठीक है। हो सकता है कि आपका सनमाइका नहीं काट पाता है वो, इसलिए सनमाइका ओके है, लेकिन अंदर से पूरी लकड़ी आपकी ख़राब हो चुकी हो। इसलिए रिस्क ना लें, जब भी ट्रीटमेंट कराएं, किसी से भी कराएं, हमसे कराएं, किसी से भी कराएं, दीमा का ट्रीटमेंट एक साथ पूरे घर में, जहाँ कहीं भी आपकी लकड़ी वॉल के साथ फिक्स हो, उन सभी लकड़ियों में ट्रीटमेंट कराएं, और सही बंदे से कराएं। ये जो क्लाइंट है जिनके यहाँ पर मैं हूँ अभी, रोहिणी सेक्टर 11 में, इन्होंने अभी ठीक 6 महीने पहले किसी पेस्ट कंट्रोल कंपनी से काम कराया था, लेकिन आज दोबारा उनके घर में सेम प्रॉब्लम है। और जब उस बंदे को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाता है वो, जहाँ तक कि उन्होंने 5 साल की वारंटी इनको सौंप दी थी। वो मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा क्लाइंट की रिव्यू का, इनका जिनका नाम है संदीप सर, संदीप गोयल सर, आप वो रिव्यू भी देख रहे पाएंगे बाद में। देखिए बिल्कुल ही लग रहा है अलमीरा ओके है, लेकिन अंदर से क्या हाल है, ये देखिए, देख लिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो मैं इसलिए साझा करता हूँ ताकि आप लोग तक सही जानकारी पहुँच सके, आप सही चीज़ों को समझ सकें, अपनी वुडन को बचा सकें। धन्यवाद। अखिलेश न्योम पेस्ट कंट्रोल।